अस्सलाम वालेकुम, मैं प्राइमरी लर्निंग बाय सबा। आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो जो न्यू टीचर्स है, जो टीचर बनना चाहते हैं, जो डेमो क्लास दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उन लोगों के लिए है, उन टीचर्स के लिए है। और जो टीचर डेमो क्लास से डरते हैं, जो दिल में खौफ रहता है कि किस तरह से हमारा डेमो रहेगा, उन टीचर्स के लिए है। और अभी फ़िलहाल दौर ऑनलाइन क्लासेस का है, क्योंकि अगर हम टीचिंग के लिए अप्लाई भी करते हैं तो हमें ऑनलाइन क्लास में डेमो देना पड़ता है। पहले ऐसा था कि हम स्कूल में जाते थे और स्कूल में जाके हम एक इंटरव्यू दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि हमें अगर से कोई स्कूल में अप्लाई करना है तो हमें ऑनलाइन उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, इंटरव्यू हमारा वो ऑनलाइन में रहते हैं, तो ये डेमो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे तो ये डेमो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो इस तरह कारामद स्टेप्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, तो हम आगे चलते हैं साथ में। और दूसरी एक और बात कहूँगी कि ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियो तरह तरह के अलग अलग लाते रहूँ। चलिए, तो हम आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि जो डेमो क्लास है, जो ऑनलाइन क्लास होती है, तो हमें उसका डर किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से हमें कॉन्फिडेंस में आके उस क्लास को लेना है। तो मैं आपको स्टेप नंबर फर्स्ट बताती हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट में आएगा कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप जो क्लास दे रहे हैं, उसका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ से बैकग्राउंड के पीछे से कोई आ रहा है, जा रहा है, फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे खामोशी होना चाहिए, कि वहाँ पे शोर पुकारी कुछ भी आवाज़ें नहीं आना चाहिए, बिल्कुल खामोशी रहना चाहिए। और एक इसमें भी एक ज़रूरी बात है कि हमारा हम जो डेमो क्लास ले रहे हैं, तो उस वक्त हमारा नेट या फिर आपके घर पे वाईफाई होगा, जो भी है अवेलेबल, तो वो उसकी जो स्पीड है वो सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम क्लास ले रहे हैं और हमारी क्लास का नेट का जो कनेक्शन है वही हट गया वहाँ से, तो प्रॉब्लम आएगी आपको। और आपका जो क्लास का जो लेसन जो चल रहा है, उसमें भी आप खुद भी जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा कि अरे मेरी क्लास तो अभी चालू थी बट ये क्या हो गया। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स क्लास लेते हैं और क्लास का जो नेट के इश्यूज आते हैं, वाईफाई के जो इश्यूज आते हैं, उस वजह से क्लास नहीं ली जाती है। तो जब हम डेमो लेंगे तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो वाईफाई है या फिर नेट है, उसका ध्यान हमें रखना चाहिए कि उसकी स्पीड सही हो, और वहाँ पे जो हम जो क्लास ले रहे हैं, जहाँ पे वहाँ का बैकग्राउंड भी सही हो और वहाँ पे कोई आवाज़ भी ना आए, खामोशी हो, एकदम खामोशी हो, ताकि हम क्लास पे पूरी तरह से फोकस कर सकें, हमारे डेमो लेसन पे हम पूरी तरीके से फोकस कर सकें। और तीसरी स्टेप है कि हमारी जो वॉइस है उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। वॉइस में क्लियरिटी रहेगी तो हमारा लेसन ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब बनेगा, ना कि हम सब हिचकिचा के पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ये देखो वो, ये देखो ये है, ऐसा थोड़ा सा हमारे इसमें कॉन्फिडेंस लो नहीं रहना चाहिए। हमारे कॉन्फिडेंस, हमें जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो हमारा लेसन ज़रूर अच्छा रहेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी जो इमेजेस रहती है जो हम शेयर करते हैं बच्चों से, उसमें कभी प्रॉब्लम आई, कुछ हुआ, तो हमारी आवाज़ में क्लैरिटी रहेगी तो बच्चे ज़रूर समझ जाएंगे। अगर से उन्हें इमेजेस नहीं भी दिख रही है, उन्हें पिक्चर्स नहीं भी दिख रही है, लेकिन टीचर की आवाज़ में क्लैरिटी है, तो उन्हें ज़रूर समझ में आएगा कि टीचर क्या समझा रही है। और अगर से आपके आवाज़ में ही क्लैरिटी नहीं रहेगी तो बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और डेमो लेने वाले जो है, जो ले रहे हैं सामने से, उन्हें भी नहीं समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो तीसरा स्टेप ये है कि आपकी वॉइस में क्लैरिटी होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप बात करिए, तो देखिए आपका इंशाल्लाह लेसन ज़रूर ज़रूर कामयाब होगा। मैं आपको फोर्थ स्टेप पे लेके चलती हूँ। फोर्थ स्टेप ये है कि हमें पहले से प्लानिंग करना चाहिए लेसन की। हम जो लेसन ले रहे हैं, हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, ना कि हम डेमो ले रहे हैं तो डेमो के सामने डायरेक्ट जाकर बैठ जाए और हमें खुद ही नहीं पता कि वो क्या है, क्या हमें आज पढ़ाना है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम देखिए, आप टीचर्स हैं, आपको पता है कि हम जब भी क्लास में लेसन भी लेते हैं तो हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, तो हमें पहले प्लानिंग करना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस कुछ हमने खुद ने याद करना चाहिए, हमें खुद पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें लेसन किस तरह लेना चाहिए।
ताकि जो डेमो ले रहे हैं वो अगर से ताकि जो डेमो ले रहे हैं उन्हें वो हमसे कुछ क्वेश्चन भी करें लेसन के बारे में, तो हम कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे। क्यों जवाब देंगे? क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग की है लेसन की, हमें समझ में आ गया कि वो लेसन हम किस टॉपिक पे ले रहे हैं, क्या उसमें सबक पढ़ा रहे हैं, क्या लेसन हम बच्चे को समझा रहे हैं। और अगर से हमें ही नहीं पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ाना है, डायरेक्ट जाके हम लेसन लेंगे तो हम आंसर भी नहीं दे पाएंगे, और जो लेसन हम ले रहे हैं प्रिपरेशन जिसकी नहीं है तो हम वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो चौथी स्टेप ये है कि हमें लेसन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। आई हूँ फिफ्थ स्टेप में ये है कि अगर से हम रिजेक्ट होते हैं तो आपके दिल में ख्यालात आ जाएंगे कि अरे अब तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, अब मैं क्या करूँ। ऐसे ख्यालात नहीं आना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि अगर से आप एक डेमो में अगर से फेल हो रहे हैं तो आप और डेमो देते रहिए, इससे आपको डेमो का एक्सपीरियंस आएगा, आप बार बार इंटरव्यू देंगे, आप बार बार क्लासेस लेंगे, तो आप ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह एक ना एक दिन टीचर ज़रूर बन जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और रिजेक्शन और सिलेक्शन से कुछ हमें समझने को मिलेगा ज़िंदगी में भी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं अब कुछ नहीं कर सकती, हमें बढ़ते रहना चाहिए आगे। हमें एक इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, हम और भी इंटरव्यू देते रहेंगे और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम बार बार इंटरव्यू देंगे तो हमें एक्सपीरियंस आएगा कि हमें लेसन किस तरह लेना चाहिए। और जो चीज़ हम बार 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 करते रहेंगे, हम बार 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 क्लासेस लेते रहेंगे, तो हमें ज़रूर हम एक ना एक दिन ज़रूर ज़रूर परफेक्ट टीचर बनेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ या फिर अब मैं ये छोड़ देती हूँ, ये फील्ड को छोड़ देती हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें किसी ना किसी तौर से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अपने आप को कभी भी कमतर महसूस ना करें, हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें कि नहीं आज मैं नहीं कर सकती हूँ लेकिन इंशाल्लाह कल मैं ज़रूर कर सकूँगी। तो ये थी 5 स्टेप, और उम्मीद है आपको ये मेरी 5 स्टेप बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हम ये स्टेप को ध्यान में रख के डेमो देते हैं क्लास में, हम कोई भी ऑनलाइन क्लास में डेमो देते हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए कि जो न्यू टीचर्स हैं उन्हें पता चले कि हमें किस तरह से डेमो देना है, ना कि वो डरे कि अरे अभी इंटरव्यू रहेगा या फिर डेमो रहेगा तो क्या होगा, ये उनका जो डर है वो हट जाए। बस मैं यही चाहूँगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अपना